मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक भयानक सड़क हादसे में टाटा 407 और बोलेरो पिकअप की चपेट में आने की वजह से एक एक्टिवा सवार व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा कल शाम के वक्त करीब 3:30 बजे के आसपास उत्तर शिव गौसिया मार्केट के ठीक सामने हुआ है। जानकारी के मुताबिक दहिसर मोरी के रहने वाले राजू और सवाब ये दोनों लोग एक्टिवा से शील फाटा की तरफ आ रहे थे और इसी दौरान एक बोलेरो पिकअप और टाटा 407 ये दोनों गाड़ियां भी इसी दिशा की तरफ आ रही थी। ये दोनों गाड़ियों के साथ साथ एक्टिवा सवार शवाब और राजू भी चल रहे थे, मगर तभी वहां रोड के किनारे जानकारी के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार वहां रोड के किनारे कुछ पानी जमा हुआ था और गड्ढे होने की वजह से जो बोलेरो पिकअप चालक था उसने गाड़ी को और रोड की तरफ दबाने की कोशिश की और इसी दौरान साथ साथ में एक्टिवा से चल रहे ये दोनों लोग भी जो है टाटा 407 की चपेट में आ गए और ये गाड़ी डिवाइडर पर जाकर चढ़ गई। इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत बिलाल हॉस्पिटल लाया गया, मगर राजू की मौत हो गई और सवाब का इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। बहरहाल इस पूरे हादसे की जो है जांच पड़ताल पुलिस आगे कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।